हेलो, स्वागत है आप सभी का मेरी यूट्यूब चैनल में। मैं आपका दोस्त हेमांग, और आज जैसे कि मेरे पीछे आप बोर्ड देख ही रहे हो कि आज का हमारा लोकेशन और हमारी विजिट कहाँ पे होने वाली है। आप देख रहे हो ये डायरेक्शन इस तरफ है, यानी कि मैं अभी खड़ा हूँ जामनगर राजकोट हाईवे। आप देख सको ये जामनगर राजकोट हाईवे है, जो कि इस तरफ जामनगर है और मेरे सामने की साइड राजकोट हाईवे है। और ये एक खिजड़िया पक्षी अभयारण्य के बारे में मैं बात कर रहा हूँ, जहाँ पे बहुत ही आपको अलग अलग बर्ड्स आपको दिखाई देंगे और बहुत सारे बर्ड्स यहाँ पे अपना नेस्टिंग, यानी बहुत ही दूसरी दूसरी कंट्रीज से यहाँ पे ट्रैवल करके आते हैं, इसके लिए फेमस है। और ये जामनगर के एकदम नज़दीक है और राजकोट से भी एकदम नज़दीक पड़ता है। और यहाँ से अभी हम हाईवे पर खड़े हैं, और यहाँ से हमें अंदर जाना है, जो गांव है खिजड़िया गांव है उसके अंदर, वहाँ पे आगे एंड में ये पक्षी बर्ड सेंचुरी है, तो जहाँ पे हम जाने के लिए यहाँ से 15 मिनट का और रास्ता है अंदर की साइड गांव में जाने का। जैसा कि आप देख रहे हो मेरे सामने, ये जो खिजड़िया बर्ड सेंचुरी का गेट है, एंट्रेंस गेट है, यहाँ पे आपको आना पड़ेगा और यहीं से आपको एंट्री टिकट मिलेगी, जो कि मैं आपको उसकी डिटेल देने वाला हूँ अभी। और यहाँ से आपको परमिशन मिलेगी अंदर जाने की, और आप एक्सप्लोर कर सकते हो बर्ड सेंचुरी को और देख सकते हो ये स्टॉप नो एंट्री लिखा हुआ है यहाँ पे बोर्ड। और यहाँ पे कुछ डिटेल्स है जो आपको पढ़ लेनी चाहिए एक बार अंदर बर्ड सेंचुरी के एंटर होने से पहले। देख सकते हो मैं आपको अभी डिटेल्स यहाँ पे जो अवेलेबल है आपको दिखाऊंगा, कोशिश करूँगा आपको पूरी डिटेल्स मिले ताकि आप पहले से प्रिपेयर होके आए घर से। और ये जो बर्ड सेंचुरी है, उनका एरिया लिखा लिया लगभग 5 स्क्वायर किलोमीटर के अंदर है, और ये जामनगर डिस्ट्रिक्ट में है। और ये जो मैप है, आपको मैप का फ़ोटो ले लेना चाहिए फॉर इंफॉर्मेशन। और मैं अभी आपको जो एंट्री फीस है उस रिगार्डिंग कुछ मैं डिटेल्स दूंगा, जैसे कि इंडिविजुअल की फीस 40 रुपीज़ पर हेड है, और अगर आपके पास फोर व्हील है तो 500 रुपीज़ एक्स्ट्रा आपको देना पड़ेगा। अगर कैमरा तो उसका भी कुछ फीस है, आप डिटेल्स देख सकते हो, ये जो गवर्नमेंट द्वारा डिसाइड की हुई फीस है। और मैं अभी आपको इनका जो ऑफिस का कंपाउंड है, जहाँ से आपको बुकिंग ऑफिस है, उसका कंपाउंड में कुछ फोटोस है, उसके बाद फोटोस दिखा रहा हूँ बर्ड्स के। ये बर्ड्स भी अंदर हो सकते हैं, आपको देखना मिल सकते हैं, ये ज़रूरी नहीं है। और मैं ये अक्टूबर महीने में मैंने विजिट की है यहाँ पे, अक्टूबर 2021। बर्ड सेंचुरी जा रहे हैं तो बर्ड्स को तो पहले देखना ही पड़ेगा। आपको बुकिंग ऑफिस के बाद अगर आप तो आगे जाना पड़ेगा, और आगे जाओगे एंट्रेंस तो आपको दो रास्ते दिखा देंगे, उसमें दो पार्ट है, पार्ट वन और पार्ट टू। ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ पार्ट टू है, और ये जो है पार्ट वन। लेकिन पार्ट वन में मैं नहीं जा सका क्योंकि वहाँ पे कुछ वर्किंग स्टडी थी, इसलिए वो बंद था पार्ट वन। फिलहाल अक्टूबर 2021 में भी बंद किया उन्होंने। और ये जो सेंटर पॉइंट है पार्ट वन और पार्ट टू के बीच में, कुछ बर्ड सेंचुरी डिटेल्स भी दी हुई है, आपको देख लेनी चाहिए एक बार। और आप जब भी विजिट करो तो आपके साथ अगर बाइनोक्यूलर हो तो बहुत ही अच्छा होगा आपको बर्ड्स व्यू करने में। और यहाँ पे वही जो बर्ड सेंचुरी के बारे में एरिया लिखा है, और जामनगर डिस्ट्रिक्ट में है और खिजड़िया विलेज में आता है ये बर्ड सेंचुरी। वेलकम टू खिजड़िया बर्ड सेंचुरी। अब पार्ट टू में अपना व्हीकल लेके जा सकते हो, लेकिन पार्ट वन में जैसे कि पहले की, जैसा कि आप देख रहे हो अभी ये पार्ट टू के अंदर है हम, और मैं अभी पार्ट टू के अंदर भी एक सब पार्ट है, लेकिन अभी मैं पार्ट टू के जो मेन अंदर जो अनस्ट्रक्चर्ड अनसरफेस रोड है वहाँ पे मैं आपको
जो उनका व्यूज़ है, यानी एक ये टावर है उसका व्यूज़ मैं आपको दिखा रहा हूँ। वहाँ पर अलग अलग ऐसे टावर्स आपको दिखाई देंगे, टावर्स के ऊपर से आपको बर्ड्स दिखाई देंगे, बर्ड्स की बाइनोक्यूलर से अच्छा दिखाई देंगे, और आप फोटोग्राफी के लिए भी अच्छी प्लेस है अगर बर्ड्स लवर्स जो फोटोग्राफी करना चाहते हैं उनके लिए भी। और देख सकते हो ये बहुत ही बड़ी स्पेस है। वेलकम टू खिजड़ा बर्ड सेंचुरी, देख रहे हो आप बर्ड सेंचुरी का पार्ट टू। दूर दूर ये फ्रेश वाटर, रेन का फ्रेश वाटर है ये। फैमिली के साथ आ सकते हो, यहाँ पे एंजॉयमेंट कर सकते हो, और हो सके तो अपने साथ जो भी फूड पैकेट या जो भी चीज़ें लाते हो, जो वेस्टेज अगर होता है तो आप साथ ही ले जाइए, या फिर यहाँ पे डस्टबिन है वहाँ पर उसका यूज़ कीजिए, अच्छा रहेगा ताकि यहाँ के पॉल्यूशन कचरा ना फैले यहाँ पे। अभी मैं आपको टावर के ऊपर ले जाऊंगा, टावर के ऊपर से आपको व्यू दिखाई दूंगा कि ऊपर से आपको कैसा बर्ड सेंचुरी का ये भी बाह्य नज़ारा बोल सकते हैं, क्योंकि अभी हम एक्चुअल में जो एक और पार्ट है इसके अंदर सब पार्ट है वहाँ पे भी जाने वाले हैं, लेकिन ये जो बाहर एक टावर जैसे एंट्रेंस होते हैं तो थोड़ा आगे जाके टावर आपको दिखाई देगा। आपको एक स्ट्रेट अनसरफेस रोड पे जाना रहेगा, आपको दो टावर्स आएंगे पार्ट टू के अंदर, वहाँ पे आप अपना व्हीकल लेके जा सकते हो, टू व्हीलर फोर व्हीलर। देख सकते हो बर्ड, ये जो जितने सामने आपको पेड़ दिख रहे हैं जो ऐसे वो वहाँ पे नेस्टिंग भी करते हैं बर्ड्स। अभी ये एक साइड फ्रेश वाटर होता है यहाँ पे और एक साइड सॉल्ट वाटर यानी कि समंदर का पानी, फिलहाल नहीं है लेकिन ये फ्रेश वाटर है जो रेन का बारिश का पानी इकट्ठा है यहाँ पे। यानी यहाँ पे यही एक मजा है कि आपको दो अलग अलग बर्ड्स दिखाई देंगे, यानी कि फ्रेश जो स्वीट वाटर के जो फ्रेश वाटर होता है वो वाले जो बर्ड्स होते हैं वो दिखाई देंगे, और एक साइड जो समंदर के पानी वाले जो बर्ड्स होते हैं, जो नहीं बहुत सारे बर्ड्स होते हैं वो आपको दिखाई देंगे। वही एक नज़ारा है कुदरत का यहाँ पर, देख सकते हो अभी मैं टावर के टॉप पर हूँ, और यहाँ पे टावर के अलग अलग नाम होते हैं, तो आपको अगर जो भी टावर में जाना हो आप गाइड भी ले सकते हो, वहाँ पे अवेलेबल होते हैं गाइड्स जो आपको बताएंगे गाइड करने के लिए कैसे यहाँ पे कौन से बर्ड, यानी जो आप बर्ड देख रहे हो आपको नाम तो पता होना चाहिए, आप बर्ड देख के आगे। देख सकते हो आप टावर के ऊपर से, मैं आपको पार्ट टू के फ्रेश वाटर का व्यू दिखा रहा हूं। आपको पार्ट वन में भी बर्ड्स दिखाई देंगे, लेकिन पार्ट वन में आपको बाइसिकल जाना पड़ेगा या फिर वॉकिंग करके जाना पड़ेगा, वहाँ पे भी बहुत सारे बर्ड्स होते हैं। मैंने बहुत पहले विजिट किया था, अभी इस बार नहीं जा पाया क्योंकि वहाँ पे अलाउड नहीं है, अभी कुछ वहाँ पे वर्किंग यानी डेवलपमेंट चल रहा है इसलिए अभी फिलहाल। अभी मैं आपको पार्ट टू के उसके अंदर भी एक सब पार्ट है, वहाँ पे भी एक छोटा सा गेट होगा। हाँ चलो, अभी ये पार्ट टू के अंदर भी एक सब पार्ट है, वहाँ पे मैं आपको ले जा रहा हूँ, और देख सकते हो यहाँ पे थोड़ा बहुत ही अच्छा आपको व्यू मिलेगा, और आप बर्ड्स को नज़दीक से भी देख सकते हो यहाँ पे, और बर्ड्स बहुत सेंसिटिव होते हैं तो आपको ज़रा आवाज़ कम, या फिर आप कुछ अगर आपकी फोर व्हील है तो स्टॉप करो और फिर देखो उनको, क्योंकि वो आवाज़ से उड़ जाएंगे। देख सकते हो ये
बहुत ही मस्त नेचुरल व्यू है, नेचुरल एनवायरनमेंट, सिटी से अलग आपको सिटी के पास, जामनगर सिटी के पास है ये बहुत ही, और राजकोट से भी नज़दीक होता है ये, तो फैमिली के साथ ट्रिप कर सकते हो, बहुत ही अच्छी जगह है बर्ड सेंचुरी। यहाँ पे सिटिंग अरेंज, सिटिंग बेंच भी है कि आप व्यू कर सकते हो, और बेस्ट टाइम है सुबह का 6 से 9 बजे का। अगर आप सुबह में 6 बजे से 9 बजे के बीच में आते हो तो आपको यहाँ पे बहुत ही मज़ा आएगी, बर्ड्स आपको बहुत ज़्यादा देखने मिलेंगे। अभी इस टाइम यानी कि 11-12 बजे के आसपास आपको इतने बर्ड्स नहीं दिखाई देंगे। अभी मैं आपको डेमो दिखा रहा हूँ कि कैसे आपको, आप यहाँ से आनंद ले सकते हो बैठ के बर्ड्स का। नेचुरल एनवायरनमेंट मुझे बहुत ही मजा आया था यहाँ पे आके। मैं अभी आपके आपको कि जरा बर्ड सेंचुरी कैसे बनी उसके बारे में कुछ डिटेल्स आपको प्रोवाइड करूँगा। अभी मैं आपको बताऊंगा कि बर्ड सेंचुरी के बारे में, जैसे कि ये बर्ड सेंचुरी है जामनगर से 12 किलोमीटर दूर है और ये 5 किलोमीटर के दायरे में है, स्क्वायर किलोमीटर। बहुत ही बढ़िया से मजा आएगा आपको यहाँ पे। और ये बर्ड सेंचुरी जो है यहाँ पे लगभग 220 स्पीसीज यानी 220 से भी ज़्यादा बर्ड्स आपको दिखाई देंगे, जो कि फ्रेश वाटर और जो समुद्र का पानी है, दोनों प्रकार के बर्ड्स आपको दिखाई देंगे यहाँ पे। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपको बता दूँ कि एक ब्लैक नेक स्टॉक, ओपन बिल स्टॉक, टार्टर, और मैं आपको हिस्ट्री इसकी बता दूँ, ये हमें बर्ड सेंचुरी का डेवलपमेंट ऐसा हुआ कि यहाँ पे करुपारेल करके रिवर है जो कि समंदर को मिलती है यहाँ पे, तो ये बहुत यानी लगभग हमारे जब देश आज़ाद हुआ उस वक्त की बात है, तब यहाँ पे ऐसा सोचा कि यहाँ पे एक डैम बना दे, चेक डैम, ताकि ये जो फ्रेश वाटर है वो हमारे उपयोग के लिए हम उसको स्टोर कर सके, जो कि ये समुंदर में मिल जाता है पानी, तो उसको स्टोर करने के लिए चेक डैम बनाया यहाँ पे। वही चेक डैम बना तो उसकी वजह से क्या हुआ कि एक साइड मीठा पानी और एक साइड जो समुंदर का पानी, ऐसा हो गया। तो यानी कि ऐसा सोचा नहीं था कि यहाँ पे एक सेंचुरी बन जाएगी। और फिर आगे जाके जब 1981 में ऐसा ये यहाँ पे बर्ड्स बहुत आने लगे, जब यहाँ पे एक्रॉस द वर्ल्ड यानी डोमेस्टिक और इंटरनेशनल बर्ड्स यहाँ पे ट्रैवल करके आने लगे, तो फिर 1981 में इस जगह को सेंचुरी का दर्जा दिया, और तब से ये खिजड़िया बर्ड सेंचुरी के नाम से जाना है। तब से इसको लोग बोलते हैं खिजड़िया बर्ड सेंचुरी, और एक गवर्नमेंट ने इसका नाम रखा खिजड़िया बर्ड सेंचुरी। और आपको बहुत सारे यहाँ पे बर्ड्स दिखाई देंगे, नेशनल और डोमेस्टिक और इंटरनेशनल बर्ड्स। आप देख सकते हो बर्ड्स, कुछ बर्ड्स जो हमें दिखाई दे और हमने वहाँ पे देखे भी बहुत सारे बर्ड्स। अगर आपको यहाँ पे आना हो तो एक दिन की वन डे ट्रिप आप कर सकते हो, सुबह में आ सकते हो, मॉर्निंग में आप हो सके तो लंच भी इधर तो नहीं, लेकिन जो
जो पर्टिकुलर स्पेस आपको दी हुई है, जो वहाँ पे डेजिग्नेटेड स्पेसेस, वहाँ पे आप लंच का आनंद ले सकते हो। लेकिन जो भी आपका कचरा यानी जो भी वेस्टेज बचता है उसको आप अपने साथ ही ले जाइए तो अच्छा है, और यहाँ पे डस्टबिन से उसका उपयोग कीजिए। लेकिन जो आपके ये जो पार्ट है, पार्ट के अंदर आपको खाना अलाउड नहीं है। अगर आपके पास फूड पैकेट कुछ भी होगा तो आपसे ले लिया जाएगा गेट के पास से। और टाइम की बात करता हूँ, बता दूँ कि यहाँ पे बेस्ट टाइम है अगर विजिट करनी हो खिजरा बर्ड सेंचुरी की, तो आप अक्टूबर महीने से लेके फरवरी महीने यानी जब तक ठंडी रहती है तब तक का टाइम बेस्ट है। मानसून में तो क्लोज होती है खिजरा बर्ड सेंचुरी, लेकिन जो ठंडी के टाइम में जो बर्ड्स आते हैं बहुत ही ज़्यादा होते हैं, और बहुत ही वेराइटी आपको अलग अलग स्पीसीज दिखाई देगी बर्ड्स की। और बेस्ट टाइम जो होता है अर्ली मॉर्निंग और शाम का समय होता है बेस्ट टाइम। देख सकते हो बर्ड्स बहुत दूर थे, मैंने जूम करके आपको दिखाया। सामने देख सकते हो वो टावर है, वो भी यहाँ पे बहुत ही अलग अलग जगह पे टावर आपको दिखाई देंगे। वो टावर इसलिए स्पेशली बनाया है कि वहाँ से आपको ऊपर जाके आप फोटो शूटिंग और विदाउट डिस्टर्बेंस आप बर्ड्स देख सकते हो। ये लगभग समझ लो कि अंदर आपको 2-3 किलोमीटर का एरिया और है, अंदर आपको जाना पड़ेगा। देख सक रहे हो बर्ड्स, आपको जरा भी आवाज नहीं करनी जब आपको बर्ड्स दिखा दें। यहाँ पे अगर आप धैर्य रखोगे, धीरज रखोगे, तो आपको बर्ड्स बहुत सारे दिखा देंगे। यानी कि आपको अपनी गाड़ी, अपनी फोर व्हीलर या अपने टू व्हीलर स्टॉप करना होगा और वेट करना होगा बर्ड्स के लिए। आपको लोकल बर्ड्स भी बहुत सारे दिखाई देंगे। अभी ये जो अंदर का सब पार्ट का ही रास्ता है, अभी उसी रास्ते में हम जा रहे हैं, और वहाँ पे एक लास्ट में जो खिजरा बर्ड सेंचुरी के अथॉरिटी वाले जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है ये उसके अंडर में आता है, तो उन्होंने एक और वहाँ पे कलरफुल टावर बनाया हुआ है। वहाँ से एक व्यू दिखाई आपको दिखाऊँगा कि कैसा व्यू आता है बर्ड सेंचुरी का। यहाँ पे विजिट लगानी चाहिए अगर आप जामनगर में हो, जामनगर आ रहे हो, राजकोट में आ रहे हो, क्योंकि यहाँ पे आप आ रहे हो तो फिर समझ लो कि एक दिन की ट्रिप बन सकती है। फैमिली के साथ आ सकते हो, आपको मजा आएगा। दिखा रहा हूँ ये ले जा रहा हूँ, जो कलरफुल उनका टावर है, और ये टावर एकदम अंदर लास्ट में है, तो उस दौरान भी आपको साइड में व्यूज दिखाई देंगे, बर्ड्स के व्यूज बर्ड्स दिखाई दे सकते हैं। आप देख सकते हो एंजॉय कीजिए व्यूज खिजरा बर्ड सेंचुरी का, और आइए अपने फैमिली के साथ, फ्रेंड्स ग्रुप। यहाँ पे ट्रिप्स भी होती है बहुत सारे, स्कूल्स के बच्चे भी आते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं स्कूल्स, और जो एनजीओस, एडवेंचर्स और फैमिली
फैमिली ग्रुप्स भी आते हैं यहाँ पे। ये जो टावर है, और यहाँ पे टावर्स के अलग अलग नाम्स होते हैं, नेम्स होते हैं। यहाँ पे टावर्स के आपको अलग अलग नेम नाम दिखाई देंगे। जैसे ये टावर का नाम है फ्लेमिंगो, और फ्लेमिंगो टावर ये जो एकदम एक्सट्रीम एंड में है इनका, यानी जो पार्ट टू के अंदर सब पार्ट है उसके अंदर है, एक्सट्रीम एंड पे है ये टावर। और ये टावर ऐसी जगह पे बनाया है कि वहाँ से आपको मैक्सिमम बर्ड्स दिखाई देंगे, क्योंकि मैंने यहाँ पे देखा कि यहाँ पे चारों ओर आपको फ्रेश वाटर दिखाई देगा और झाड़ियाँ ही दिखाई देगी, क्योंकि जो बर्ड्स होते हैं वो ऐसी जगह पे ही पसंद करते हैं जो एकदम पीसफुल हो, शांत हो जगह। जैसा कि देखते हैं यहाँ पे सीटिंग अरेंजमेंट भी है, अगर आपको बैठ के भी आप आनंद दे सकते हो फैमिली के साथ। अभी हम जा रहे हैं टावर के ऊपर। देख सकते हो टावर के ऊपर भी आपको अलग अलग बर्ड्स के यहाँ पे फोटोस लगाए हुए हैं जो अथॉरिटीज बर्ड सेंचुरी। मुझे तो मजा आया यहाँ पे आके। यहाँ से देखो क्या व्यू है, वाह। और अगर आपके पास बाइनोक्यूलर हो तो आपको बहुत ही अच्छा व्यू दिखाई देगा, क्योंकि बाइनोक्यूलर से आप देख सकते हो बर्ड्स को। और ये बर्ड्स लवर्स के लिए बहुत ही अच्छी प्लेस है, क्योंकि ये देख रहे हो यहाँ पे बर्ड्स एकदम सेंटर में है। बस ज़्यादातर इतनी दूरी पे होते हैं कि जो वहाँ पे कोई डिस्टर्बेंस करने वाला ना हो उनको। और ये जो बीच में जितनी भी झाड़ियाँ है वहाँ पे वो नेस्टिंग भी करते हैं, यहाँ पे बर्ड नेस्टिंग भी होता है। और यहाँ पे मैंने एक जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के जो व्यक्ति थे उनसे मैंने उन्होंने बताया कि यहाँ पे एक ऐसा बर्ड है उसका नेस्ट ही समझ लो कि बहुत ही बड़ा होता है, समझ लो बहुत ही बड़ा नेस्ट होता है। और कभी भाग्य हो नसीब में हो तो ही आपको बर्ड दिखाई देगा, ऐसा बर्ड है यहाँ पे एक। अगर आप फैमिली के साथ आ रहे हो, ट्रिप में ग्रुप में आ रहे हो, और या फिर आप स्कूल ट्रिप में आ रहे हो, तो आपको गाइड तो ले ही लेना चाहिए यहाँ पे। जैसे कि मैं अभी देखो यहाँ से बैठ के आपको बहुत ही अच्छा व्यू मिलेगा। और आपके पास बाइनोक्यूलर होना ज़रूरी है, अगर हो सके तो आप साथ में लाओ, क्योंकि यहाँ से आपको क्लियरली बर्ड्स ऐसे विजिबल नहीं होंगे, बाइनोक्यूलर होगा तो आपको विजिबल होंगे, अगर नज़दीक होगा तो आपको बर्ड्स दिखाई देंगे। जैसे कि देखो ये कुछ बर्ड्स थे जो मैं मुझे पता ही नहीं था, वहाँ पे जो लोकल बंदे थे उन्होंने, वो भी साथ में है तो उन्होंने बताए थे हमको कुछ बर्ड्स कि ये जो बर्ड्स का ये नाम है। वो ज़्यादातर हमने जो स्पॉट किया वो लोकल बर्ड्स स्पॉट किए थे उस वक्त जब हमने विजिट की, क्योंकि हमारा टाइमिंग ही थोड़ा लेट हो गए। हम 11 बजे के बाद हमने एंट्री की यहाँ पे। वैसे तो आप अगर सुबह में 6 बजे से लेकर 9 बजे के बीच में ही यहाँ पे विजिट करो तो आपको बहुत ही अच्छा आनंद मिलेगा यहाँ पे बर्ड्स व्यू करने का। नियरली 5.5 किलोमीटर के दायरे में है बर्ड सेंचुरी। ये एकदम हम समझ लो ना कि ये सेंटर पॉइंट ऐसा लग रहा है मुझे, क्योंकि यहाँ से बहुत दूर दूर आपको फ्रेश वाटर ही नजर आ रहा है, क्योंकि यहाँ से सेंटर पॉइंट में इन्होंने बनाया है ये
टावर। यहाँ से आपको बर्ड अपने साथ बहुत ही अच्छे सारे फोटोस भी ले जा सकते हो अपने साथ। फोटोग्राफी के लिए भी बहुत ही अच्छा स्पॉट लग रहा है मुझे, क्योंकि यहाँ से बहुत ही अच्छे व्यूज आ रहे हैं। अगर आपके पास DSLR हो तो आपको बहुत ही अच्छी यहाँ से फोटोग्राफी हो सकती है। और मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे इसका टाइमिंग है बर्ड सेंचुरी का, सुबह में 6 से शाम के 6 बजे तक का है, और दोपहर में शायद एक घंटे तक बंद रहे, 1-2 घंटे बंद रहता है, यानी 2 बजे वापस ओपन होता है। डिपेंड करता है जो वहाँ पे सिक्योरिटी पर्सन के ऊपर। तो हम गए तो 1 से 2 का यहाँ पे लंच ब्रेक था, यानी वो सिक्योरिटी पर्सन यानी उसे बंद किया। अभी ये सेंटर पॉइंट, ये जो टावर है उसके सेंटर में से आपको दिखा रहा हूँ। अब कहीं पे भी टावर भी इन्होंने अच्छी तरह से बनाया, डेवलप किए, जो थैंक यू बर्ड सेंचुरी के अथॉरिटी को कि उन्होंने टावर बनाया, क्योंकि अच्छा व्यू आया है लोगों को दिखाई दे रहा है। अच्छा अब कहीं पे भी बैठो आपको बर्ड्स के व्यूज दिखाई देंगे। स्पेशली ऐसे अरेंजमेंट किया है उन्होंने। दूर दूर तक आपको पानी पानी नजर आ रहा है और झाड़ियाँ ही नजर आ रही है, यानी ये प्लेस बर्ड्स के लिए ही नेचर ने डेवलप की, यानी ये किसी ने डेवलप नहीं की, यानी ये नेचर ने डेवलप किया। देख रहे हो झाड़ियाँ सामने, वहाँ पे हमने बहुत सारे बर्ड्स देखे थे। और अगर आप सुबह में आ रहे हो यानी अर्ली मॉर्निंग 6 से 9 बजे, तो थोड़ी ठंड भी फील होगी आपको। अगर आप अक्टूबर से लेके फरवरी महीने तक आते हो तो, क्योंकि उस टाइम सुबह में और शाम के वक्त यहाँ पे ठंड बढ़ जाती है, यानी हो सके तो आप अपने जो वार्म क्लोथ्स वो भी साथ में लेके आइए। पर्टिकुलर सुबह के समय में 6 बजे के 6 से 9 में, क्योंकि ज़्यादातर यहाँ पे जो एनी बर्ड लवर्स है सुबह के समय में ही आते हैं। देख रहे हो ये फ्लेमिंगो टावर में से आपको दिखा रहा हूँ मैं व्यू। अभी हम नीचे, अभी देख रहे हो नीचे भी एक सिटिंग अरेंजमेंट बनाया हुआ है उन्होंने बर्ड व्यूइंग के लिए। अगर आप एक वन डे की ट्रिप बनाना चाहते हो यहाँ पे, तो आप बना सकते हो। जैसे कि सुबह में यहाँ पे आप 6-9 बजे तक, आप 10 बजे तक आनंद ले सकते हो बर्ड का, और 10 बजे के बाद आप यहाँ से वापस जो मेन हाईवे है वहाँ पे बहुत सारे जो यहाँ पे गुजराती फेमस जो गुजराती थाली, गुजराती मील आपको मिल जाएगा, और गुजराती मील का आनंद ले सकते हो, और बहुत ही टेस्टी है। बाहर आप जो होटल्स है यानी जो हाईवे पे है होटल्स है, एग्जैक्ट जो जिस तरह से तरफ से आप एंटर होंगे खिजड़िया विलेज के अंदर, उसी हाईवे पे है बहुत सारे होटल्स। आप वहाँ पे गुजराती थाली का आनंद ले सकते हो। और क्योंकि आप इतना वॉच करोगे बर्ड्स, आपको चलना भी पड़ेगा यहाँ पे बहुत सारा, तो आप थक जाओगे। हम भी थक गए थे थोड़ा थोड़ा, कि हम पहले से प्रिपेयर होके आए थे। हम फ्लेमिंगो टावर में भी कुछ बर्ड्स के फोटोस है, उसके फोटोस दिखा रहा हूँ मैं। लिल स्ट्रिंट, कॉमन स्नाइप, फ्लेमिंगो टावर,
पार्ट टू। ये है गार्गनी, पतक जैसा। हाँ, ये हमने देखा था वर्ड ग्रे हेरोन, उसकी लंबी की हमने देखा था वहाँ पे। फिर ब्लैक एबिस, और एक और बर्ड हमने देखा था जो बहुत ही दूर चला गया था हमें, क्योंकि यहाँ पे अगर व्हीकल की या कुछ भी ऐसा डिस्टर्बेंस की आवाज़ आए तो दूर चले जाते हैं बर्ड्स उड़ के। तो हमने एक और बर्ड वहाँ पे भी क्या था बहुत बार देखा था हमने, मैं भी आपको उसका नाम बताता हूँ, क्योंकि आप यहाँ पे जब बुकिंग टिकट लेते हो तो वहाँ पे आपको दो के जो ब्रोसर है, ब्रोसर टाइप कुछ भी आपको साथ में, उसके अंदर बहुत सारे बर्ड्स के फोटोज होंगे और बर्ड्स की डिटेल होंगे जो वहाँ पे आपको दिखाई देगी। देख सकते हो ये फ्रेश वाटर, जो हमने बर्ड्स एक और बर्ड व्यू किया था उसका नाम है वो कुछ यहाँ पे आपको फ्लेमिंगो बहुत सारे दिखाई देंगे मॉर्निंग में, फ्लेमिंगोस। हमने डार्टर एक हमने डार्टर बर्ड का व्यू किया था, उसको सर्फ ग्रीव भी बोल सकते हैं, क्योंकि उसकी वो जो उसकी डोक होती है वो सांप जैसी लगती है, वो आपको दिखाई देंगे बहुत सारे डार्टर बहुत सारे होंगे यहाँ पे। मान लीजिए, और आप सभी का धन्यवाद, आपने खिजरा बर्ड सेंचुरी का मेरी चैनल के माध्यम से आपने उसका आनंद लिया। और ये देख सकते हो अभी एग्जिट वहाँ पे लिखा है थैंक्स, आभार, और अलविदा कहते हैं खिजरा बर्ड सेंचुरी को। बहुत ही मजा आई, बाय, गुड बाय, थैंक यू।